बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। जहानाबाद के कोना में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गया और टकराने की वजह से घटना स्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई। जी हां, जहानाबाद जिले के कोना ओपी क्षेत्र के कोना के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इस मौत की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटना स्थल पर आए और घटना को देखकर आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने NH-83 को जाम कर दिया। घटना स्थल पर SDPO अशोक कुमार पांडे और जिले के वरीय प्राधिकारी पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाया बुझाया और उसके बाद घटना स्थल पर से जाम को हटाया। NH-83 को खाली करवाते हुए सबको पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। इस पूरे मामले पर SDPO अशोक कुमार पांडे ने बताया कि दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसके कारण घटना स्थल पर दो लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में SDPO का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह सब पुलिस के कारण हुई है। मृतक के परिजनों ने वाहन चेकिंग पर सवाल खड़ा किया है। जा रहे थे जी, मौसी घर से जा रहे थे, घर पे जा रहे थे, उनने से बाइक वाला आके टकरा के एकदम क्रश के आ रहे थे स्पीड में। वो वहाँ पे सिपाही थे। अच्छा, क्या लगता है मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान हुआ? हाँ, मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से। कहाँ के रहने वाले हैं ये? वीरपुर के। आ रहे थे मौसी के? मौसी कहाँ से? मोटरसाइकिल साथ चेकिंग लगाए हुए था प्रशासन, उसी में भागने उड़ने में दोनों स्पीड में आमने सामने टक्कर हुआ, जिसमें दोनों से मोटरसाइकिल पर स्पॉट डेथ हुआ। तो कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो मेरे पंचायत का, ये बीपुर बिंदा जी का बच्चा है। अच्छा। रेलवे ड्राइवर में अपने था। अच्छा। और एक छात्र है कोई स्कूल का, वही कुलौना के पास। अच्छा, तो कहाँ पे घटना घटी? कुलौना थाना के सामने। सामने तो दोनों के स्पॉट डेथ है जी। तो दोनों अकेले से चल रहे थे कि और भी कोई साथ? नहीं, दो था, दो मोटरसाइकिल में दो दो आते दो दो एक घायल है बीपुर का बच्चा। देखिए, ये मतलब NH पर ही आपस में दो मोटरसाइकिलें एक दूसरे से टकरा गई और जिसके चलते दोनों सवार की डेथ हो गई। दोनों की तेजी और लापरवाही के कारण ये घटना घटी। तो इसी को लेकर के ये परिजन जो है अशांत हो गए थे, उनको समझा बुझा करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की है। सर, क्या सर लगी वाहन चेकिंग के दौरान ये घटना घटी या सर कैसे कर रहे? देखिए, थाना के सामने वाहन चेकिंग होती है, ये चूँकि वाहन चेकिंग करना ही है और उस चेकिंग से बचने के लिए कई सवार ऐसे होते हैं जो भागना चाहते हैं, ताकि जो सड़क किनारे है ये बैरिकेडिंग वगैरह लगा करके चेकिंग की जाती है। तो हम लोग देखेंगे, पब्लिक का ये आरोप था कि बिना बैरिकेडिंग लगाए हुए डंडा लगा करके ये चेकिंग हो रही थी, तो हम लोग इसको देखेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसमें इस तरह जो दो पदाधिकारी हैं उनको दंडित भी किया जाएगा, लेकिन बजाबता हम लोग देखेंगे कि इसको ये लगा करके बैरिकेडिंग वगैरह लगा करके और ट्रॉली जो है ट्रैफिक की ट्रॉली लगा करके चेकिंग की जाए। परिजन क्या मांग कर रहे थे? परिजनों का यही आरोप था कि मतलब चेकिंग का जो सिस्टम है वो गलत है और उधर से डंडा लगा करके लोग चेकिंग कर रहे थे, गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे।